ठीक है, तो ये क्या है, एडवेंचरस भी जो है, एडवेंचर स्पोर्ट्स मतलब एज अ गेम की तरह प्ले करते हैं वो, तो उसके लिए भी ये जो है हिमालयस उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, उसके बाद वो कहता है कि हमारे नॉर्दर्न इंडिया के जितने भी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं, ठीक है, वो सारे के सारे हिल स्टेशंस जो हैं वो कहाँ पे पाए जाते हैं, हमारे हिमालयन रेंजेस में ही पाए जाते हैं। कहाँ पे पाए जाते हैं, हिमालयस में पाए जाते हैं। जैसे हमारा श्रीनगर आ गया, पहलगाम आ गया, गुलमर्ग आ गया, शिमला, कुल्लू, मनाली, धर्मशाला, देहरादून, नैनीताल, ये सारे क्या हैं, हिल स्टेशंस हैं, यहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं। तो ये सारे के सारे हिल स्टेशंस जो हैं ये कहाँ पे हैं, ये सारे के सारे हिल स्टेशंस जो हैं वो ये हिमालयस में ही हैं। ठीक है ना, नॉर्दर्न इंडिया में जो है, क्योंकि हिमालय नॉर्थ साइड में ही आता है, तो ये सारे के सारे हिल स्टेशंस भी वहीं पे हैं। तो कहते हैं कि पूरा साल जो है कि हज़ारों के हिसाब से जो विजिटर्स हैं, दूर दूर से लोग जो हैं हिल स्टेशंस में घूमने के लिए आते हैं। ठीक है ना, बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे आते हैं, है ना। आप सभी ने जगहों के नाम तो सुने हैं, जैसे मसूरी, नैनीताल, देहरादून, शिमला, श्रीनगर, ये सारे क्या हैं, हिल स्टेशंस। हिल स्टेशंस होते हैं जहाँ पे लोग घूमने के लिए जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वेदर होता है वो ठंडा, ना बहुत ज़्यादा गर्म ना बहुत ज़्यादा ठंडा, मतलब लोगों के लिए परफेक्ट होता है, और लोग जहाँ पे जो है घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है कि जो हिमालय है ये क्या करता है, अब हमारे जितने भी बॉर्डर बॉर्डर एरियाज हैं ना, हिमालय जो है, हिमालय क्या करता है, एज अ प्रोटेक्टर का काम करता है। ठीक है, कैसे, अब जैसे ये हिमालय इतना ऊंचा है कि जो भी हमारे एनिमीज होते हैं उनके लिए बहुत मुश्किल होता है इसको क्रॉस कर, है ना। तो अभी इतने ऊंचे पहाड़ चढ़ के वो आएंगे हमारे, और ये पूरी कंट्री में नहीं, ये सिर्फ हमारे जो नॉर्थ पार्ट है वहीं पे, ठीक है ना। अब जैसे हमारा जम्मू एंड कश्मीर है, J&K है, अब अगर ये ना हो तो कितने सारे कंट्रीज जो हैं इस रास्ते से हम पे अटैक कर दें। बट जब ये हिमालय की वजह से क्या होता है, वो लोग जो है इसको क्रॉस नहीं कर पाते, ठीक है ना। अब तो ऐसे तो कई बार बाय एयर अटैक हो जाते हैं, बट अगर हमें उन्हें लैंड से अटैक करना हो तो वो काफ़ी सारा ज़्यादा क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वो लोग क्या है इस माउंटेन को, इस हिमालयन रेंज को क्रॉस नहीं कर पाते हैं। इसी वजह से जो है ये क्या करता है, हमें प्रोटेक्ट करता है, क्या करता है, बहुत सारे एनिमीज़ के अटैक से हमें जो है प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, क्या करता है, ये हमें प्रोटेक्ट करता है। उसके बाद आ जाता है कि ये जो हमारा हिमालयस है, यहाँ पे बहुत सारे, हमने पढ़ा कि बहुत सारे डेंस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। अब इसी हिमालयस में क्या है, बहुत सारी ऐसी हर्ब्स पाई जाती हैं, ऐसे वो हर्ब्स पाई जाती हैं जिन्हें हम क्या करते हैं, एज अ मेडिसिन की तरह भी यूज़ करते हैं, है ना। एज अ मेडिसिन की तरह भी हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब जैसे आप लोग रामलीला वगैरह देखते हो, है ना, तो रामलीला में वो एक सीन आता है कि हनुमान जी जो है वो पूरा पर्वत उठा के लाए थे, किसका, उस पे से उन्होंने वो बूटी उतारी थी, फिर वो उनको लक्ष्मण जी को पिलाई और वो जिंदा हो गए। तो उन्होंने कौन सा, यही था, है ना। तो उसमें देख, बट ऐसे भी जो है यहाँ पे हिमालयस में बहुत सारे ऐसी हर्ब्स पाई जाती हैं, ऐसी जड़ी बूटियाँ पाई जाती हैं जो कि है मेडिसिन का काम करती हैं। ठीक है, बहुत सारी हर्ब्स जो है यहाँ पे पाई जाती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, जो हिमालयन स्लोप्स हैं यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका क्या पाई जाती है, टी का भी ये प्रोड्यूसर है, जो टी होती है वो भी जो है हिमालयस में पाई जाती है। ठीक है, तो इसी वजह से जो है इंडिया के है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है टी का। टी जो है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पे उगती है, इंडिया में। ठीक है, समझ आई, टी जो है सबसे ज़्यादा कहाँ पे ग्रो करती है, इंडिया में। ठीक है, तो ये आ गई इसकी एडवांटेजेस, क्या आ गई, एडवांटेजेस। ठीक है, उसके बाद है, ठीक है, तो क्या क्या एडवांटेजेस हमने इसकी डिस्कस करें कि हमारा जो हिमालयस है ये क्या करता है, हिमालय जो है हमारे एक एक क्लाइमेटिक वेरियर की तरह काम करता है। मतलब क्या है कि जितने भी दूसरी साइड से आने वाली ठंडी या गर्म हवाएं हैं उनसे हमें प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश वाले जो क्लाउड्स होते हैं उनसे भी हमें बचाता है। ठीक है, मानसून विंड से हमें बचाता है, जितने भी तूफान जो है इंडियन ओशन से उठते हैं उनसे भी हमें सेव करता है।
ठीक है। उसके बाद जो है ये हिमालयन क्या है, हिमालयस जो है ये एक रिवर का सोर्स है। नॉर्दर्न इंडिया में जितने भी रिवर्स पाए जाते हैं वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय से ओरिजिनेट होते हैं। किसकी वजह से, ग्लेशियर्स की वजह से, क्योंकि हमने पढ़ा कि ग्रेटर हिमालयस में क्या है, बहुत ज़्यादा ग्लेशियर्स हैं, और उन्हीं ग्लेशियर्स की वजह से जो है हमारे रिवर्स जो हैं वो ओरिजिनेट होते हैं, है ना। ये पढ़ा ना हमने ग्रेटर हिमालयस में कि ग्रेटर हिमालयस में बहुत सारे ग्लेशियर्स पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हीं वही ग्लेशियर्स जब मेल्ट करते हैं तो वो क्या बन जाते हैं, रिवर बन जाते हैं, और वही रिवर्स जो हैं फिर किसके काम आते हैं, हमारे इरिगेशन के काम आते हैं, हमारे इलेक्ट्रिसिटी बनाने के काम आते हैं, ठीक है। और ये सारे रिवर्स कहाँ से आते हैं, हिमालय से ही आते हैं, क्योंकि ग्लेशियर्स हिमालयस में हैं तो रिवर्स भी हिमालय से ही आएंगे, है ना। उसके बाद आ जाता है कि यहाँ के जो हिमालयस के जो स्लोप्स हैं यहाँ पे बहुत सारे क्या हैं, डेंस फॉरेस्ट हैं, क्या हैं, घने जंगल हैं, जिनमें क्या होता है हमें अलग अलग टाइप के हमें वुड मिलती है, ठीक है ना, लकड़ी मिलती है, फ्रूट्स मिलते हैं, फ्लावर्स मिलते हैं। और ये जो डेंस फॉरेस्ट है ये क्या करते हैं, बहुत सारे वाइल्ड एनिमल्स के लिए शेल्टर का काम करते हैं, क्योंकि जो जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं वो कहाँ रहते हैं, हिमालय के जितने भी फॉरेस्ट हैं वहीं पे अपना शेल्टर उनका बनाते हैं, ठीक है ना। उसके बाद हमने बोला कि जितने भी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं नॉर्दर्न इंडिया के, जैसे हमारा श्रीनगर है, पहलगाम है, गुलमर्ग है, दार्जिलिंग है, मनाली है, कुल्लू है, शिमला है, देहरादून है, नैनीताल है, ये सारे के सारे हिल स्टेशंस जो हैं ये भी कहाँ पे पाए जाते हैं, ये भी हिमालयस में ही पाए जाते हैं, ठीक है ना। और ये कौन से हिमालयस में पाए जाते हैं, लेसर हिमालयस में, ठीक है। ग्लेशियर्स जो हैं वो ग्रेटर हिमालयस में पाए जाते हैं, ठीक है। और जो हिल स्टेशंस हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, लेसर हिमालयस में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो हिमालय यहाँ पे बहुत सारे ट्राइबल पीपल्स जो हैं वो रहते हैं, ठीक है ना। कौन रहते हैं, ट्राइबल पीपल्स जो होते हैं वो भी कहाँ पे रहते हैं, हिमालयन रीजन में ही रहते हैं। उसके बाद हिमालय जो है ये क्या है, हमें हमारी जो बॉर्डर एरियाज है उनको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है ना, एनिमीज के अटैक से हमें बचाता है, एक दीवार की तरह काम करता है, कि ये इतनी ऊंची दीवार है जिसको क्रॉस करना जो है हमारे एनिमीज के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये क्या करता है, उनके अटैक से हमें प्रोटेक्ट करता है, बचाता है, ठीक है ना। उसके बाद कहता है कि यहाँ पे जो है जो हिमालयस की स्लोप्स हैं यहाँ पे बहुत सारी ऐसी हर्ब्स पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, मेडिसिन का काम करती हैं, ठीक है ना, जड़ी बूटियाँ जिनको हम कहते हैं, ठीक है, वो क्या है, मेडिसिन का काम करती हैं। और क्या हमारे यहाँ पे हिमालयस में पाया जाता है, जो टी है वो भी सबसे ज़्यादा हिमालयस की स्लोप्स में पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हिमालयस जो है सॉरी इंडिया जो है वो टी का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, सबसे ज़्यादा टी जो है वो कहाँ पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती है, ठीक है। तो ये आ गया आपकी एडवांटेजेस, ठीक है। तो हमने इसका रेंजेस के बारे में पढ़ लिया और इसके एडवांटेजेस के बारे में भी पढ़ लिया, ठीक है। तो इसके साथ ही आपका ये जो लेसन नंबर 1 था ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। अभी हम इसके क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। सबसे पहले हम करेंगे इसका चूज एंड टिक, ठीक है। अभी तक हमने इसके 4 चूज एंड टिक कर लिए हैं, आज हम इसका लास्ट चूज एंड टिक करेंगे, ठीक है, दैट वन, फिफ्थ वन हम करेंगे। वो कहता है इंडिया इज अ बिग प्रोड्यूसर ऑफ, अभी लास्ट में हमने किया कि इंडिया जो है किसका बिग प्रोड्यूसर है, ये पार्ट आपका आ जाता है ऑरेंजेस का, बी पार्ट आ गया आपका वूल, सी पार्ट आ गया आपका
कॉफी, या डी पार्ट आ गया आपका टी। इंडिया किसका जो है वो बिग प्रोड्यूसर है, ऑरेंजेस का है, वूल है, कॉफी है, या टी है, क्या पाई जाती है इंडिया में सबसे ज्यादा? टी, ठीक है। किसका बिगेस्ट प्रोड्यूसर है? टी का। ये अभी हमने लास्ट में पढ़ा कि इंडिया की जो हिमालय की जो स्लोप्स हैं वहाँ पे टी भी पाई जाती है, इसी वजह से इंडिया जो है वो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है किसका? टी का, ठीक है। तो ये आपके चूज एंड टिक जो है कंप्लीट हो गए। हमने ये 4 हमने कल कर लिए थे, ये 1 बचा था तो ये हमने आज कर लिया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करेंगे ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो ट्रू फॉल्स भी हमने जो है मैक्सिमम 4 हमने कर लिए हैं। अब लास्ट वाला आज हम करेंगे। लास्ट वो कहता है सेवरल एजुकेटेड पीपल लिव इन द हिमालयन रेंजेस, सॉरी रीजन, ठीक है, कि हिमालय रीजन जो है यहाँ पे एजुकेटेड पीपल रहते हैं, बहुत सारे एजुकेटेड पीपल है। तो ये भी हमें हमने लास्ट में किया कि एजुकेटेड पीपल रहते हैं वहाँ पे। नो, फॉल्स। हमने पढ़ा कि यहाँ पे जो है बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो है वो रहते हैं, हिमालय रीजन में बहुत सारे ट्राइबल पीपल रहते हैं, ना कि एजुकेटेड पीपल रहते हैं। ओके okay? सो और इसके साथ आपके ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब आता है आपका सी पार्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, फिल इन द ब्लैंक्स भी लास्ट बचता है हमारा कि सेवरल डैश पीपल लिव इन हिमालयन रेंजेस, हिमालयन रीजन, सॉरी, ठीक है। ये अभी हमने ट्रू फॉल भी किया कि सबसे ज़्यादा कौन से पीपल जो है हिमालय रीजन में रहते हैं, एजुकेटेड और ट्राइबल? यस, ट्राइबल, ट्राइबल पीपल लिव इन द हिमालयन रीजन, ठीक है। चूज एंड टिक भी कंप्लीट हो गए, आपके ट्रू फॉल्स भी कंप्लीट हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गए, और डी पार्ट है आपका कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन ब्रीफ, ये हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। अब आपके रहते हैं आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल, ये 2 क्वेश्चंस हैं, ये हम करेंगे, ठीक है। ये लॉन्ग आंसर्स हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन डिटेल, डिटेल में आपने जो है इनके आंसर देने हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, डिस्क्राइब द सब हिमालयन रेंज इन डिटेल, डिस्क्राइब द सब हिमालयन रेंज इन डिटेल, कि आपने क्या करना है, सब हिमालयन रेंज के बारे में आपने डिटेल में बताना है। अब ये सब हिमालयन रेंज कौन सी है? सब हिमालयन रेंज है आपकी, दैट इज द शिवालिक रेंज। कौन सी है ये? शिवालिक रेंज। एंड राइट डाउन इट्स आंसर, इसका आप लिखोगे
द सब हिमालयन रेंज द सब हिमालयन रेंज इज द सदर्न मोस्ट सदर्न मोस्ट माउंटेन्स इन द हिमालयन रेंज देयर एवरेज हाइट इज 1200 meters एंड हिमालयन फुटहिल्स फुटहिल्स फॉर्म्स द सब हिमालयन रेंज। ओके क्या कहता है कि जो सब हिमालयन रेंज इज द सदर्न मोस्ट माउंटेन्स इन द हिमालयन रेंज, कि हिमालय की जो रेंज है उसके साउथ में जो माउंटेन्स पाई जाती हैं उनको क्या बोला जाता है, सब हिमालयन रेंज। उस रेंज को क्या बोला जाता है, सब हिमालयन रेंज, कि जो साउथ में जो माउंटेन्स पाई जाती हैं उनको बोला जाता है सब हिमालयन रेंज। और उनकी जो हाइट है वो कितनी है, 1200 मीटर। कितनी है हाइट, 1200 मीटर। ठीक है, उसमें बोलता है हिमालयन फुट हिल्स फॉर्म द सब हिमालयन रेंज। हिमालयन फुट हिल्स, फुट हिल्स मैंने आपको बताए थे, ये हिमालय और ये उसके फुट हिल्स। ठीक है ना, कि जो फुट हिल्स में जो हिमालय के जो फुट हिल्स हैं वो क्या बनाते हैं, सब हिमालयन रेंज। ठीक है ना, हिमालयन के जो फुट हिल्स हैं वो क्या बनाते हैं, सब हिमालयन रेंज उनको बोला जाता है जो हिमालय के फुट हिल्स में है, जो शिवालिक फुट हिल्स में है। ठीक है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सब हिमालयन रेंज। सब हिमालयन रेंज किसको बोला जाता है, शिवालिक को। ठीक है ना, तो इधर उन्होंने बोला डिस्क्राइब द सब हिमालयन रेंज इन डिटेल, वो ऐसे ही बोल सकते हैं डिस्क्राइब द शिवालिक रेंज इन डिटेल, कि शिवालिक रेंज के बारे में बताओ, तब भी आपने यही आंसर लिखना है। या आपको बोल सकते हैं आउटर हिमालयन रेंज इन डिटेल, कि आउटर हिमालयन रेंज जो है उसके बारे में बताइए, तब भी आपने सेम आंसर लिखना है। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इसका नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन करेंगे और उसके साथ ही फिर आपका ये लेसन भी क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है राइट एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ द हिमालयस। हिमालयस की कोई चार एडवांटेजेस जो हैं वो आपने बतानी है, उनके बारे में लिखना है। ठीक है, तो लिखते हैं, राइट डाउन। फर्स्ट एडवांटेज आ गई इसकी, दे सेव अवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया। दे सेव अवर कंट्री फ्रॉम द कोल्ड एंड ड्राई विंड्स ऑफ सेंट्रल एशिया, कि सेंट्रल एशिया से जितनी भी ठंडी या गर्म हवाएं आती हैं उनसे ये क्या करता है, हमारी कंट्री को प्रोटेक्ट करता है। कौन प्रोटेक्ट करता है, हिमालयन रेंजेस जो हैं या हिमालयस जो है वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, सेकंड आ जाता है, ऑल ग्रेट रिवर्स ऑफ इंडिया ऑफ नॉर्दर्न इंडिया
ओरिजिनेट फ्रॉम हिमालयस। कि नॉर्थ इंडिया के जितने भी ग्रेट रिवर्स हैं वो सारे कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय से, है ना। ये भी हमने पढ़ा कि जितने भी ग्रेट रिवर्स हैं वो कहाँ से आते हैं, हिमालय से ही ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है। अब थर्ड लिखेंगे हम, ऑल द ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस, ऑल द ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस इन नॉर्दर्न इंडिया आर प्रेजेंट इन हिमालयस। ठीक है, कि जितने भी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं नॉर्दर्न इंडिया के वो कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, वो कहाँ पे हैं, हिमालयस में। कहाँ पे हैं, हिमालयस में, ठीक है। हिमालयस क्या करता है, हमारी कंट्री को सेव करता है कोल्ड और ड्राई विंड से। जितने भी ग्रेट रिवर्स हैं इंडिया के वो नॉर्दर्न इंडिया के वो कहाँ से ओरिजिनेट होते हैं, हिमालय से। उसके बाद आ जाता है कि जितने भी ब्यूटीफुल हिल स्टेशंस हैं नॉर्दर्न इंडिया के वो कहाँ पर हैं, वो भी हिमालयस में ही प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ये थ्री हो गए। अब लास्ट वाला हम करेंगे, लास्ट एडवांटेज, फोर्थ। सेवरल ट्राइबल पीपल लिव्स इन द हिमालयन रीजन। ये बहुत सारे ट्राइबल पीपल जो हैं वो कहाँ रहते हैं, हिमालयन रीजन में रहते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपके क्वेश्चन आंसर्स, ठीक है। इसी के साथ ही आपका जो फर्स्ट चैप्टर है वो भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर कल से स्टार्ट करेंगे। इस चैप्टर में अगर आपको कोई भी डाउट होगा, जब कुछ भी आपको पूछना होगा तो आप जो है वो पूछ सकते हो, ठीक है। तो इसी के साथ आपका ये चैप्टर नंबर 1 जो है कंप्लीट हो गया है। समझ आएगी सभी को, अगर नहीं आए किसी भी चीज़ में, किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट होगा तो आप लोग जो है वो पूछ सकते हो। ओके, थैंक यू।